ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी के लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, उनसे पहले मार्गरेट और थेरेसा पीएम रह चुकी हैं। दोनों महिला भी कंजर्वेटिव पार्टी से थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं आज तक का डिजिटल शो दुनिया की बात। इस शो में हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री हैं। 47 साल की लिज ने सोमवार को पीएम इलेक्शन में भारतीय मूल के 42 वर्षीय ऋषि सुनक को हराया। लिज ट्रस को टोरी लीडरशिप के चुनाव में 81,326 वोट मिले। ऋषि सुनक की बात की जाए 60,399 वोट मिले, यानी सुनक 20,927 वोट से हार गए। लिज ट्रस इससे पहले बोरिस जॉनसन की सरकार में ब्रिटेन की विदेश मंत्री रह चुकी हैं। आइए अब लिज ट्रस के जीवन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लिज के अगर जीवन परिचय की बात करें तो लिज ट्रस 1975 में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में जन्मी। लिज ट्रस की मां नर्स थी, पिता मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। ट्रस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलोसफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की पढ़ाई की। लिज ट्रस छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रही। लिज ने साल 2000 में हुयोग ओ लियरी से शादी की, जो अकाउंटेंट थे। ट्रस की दो बेटियां हैं, 16 साल की फ्रांसिस और 13 साल की लिबर्टी। लिज की दोनों बेटियां उनके पीएम कैंपेन का हिस्सा रहीं। लिज ट्रस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समय से ही नजर आने लगी थी। शुरुआत में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज जुड़ी, लेकिन फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान कंजर्वेटिव पार्टीज जुड़ गईं। अपना पहला चुनाव 2006 में ग्रीनविच जीता और काउंसलर चुनी गई। इसके बाद लिज ट्रस ने साउथ वेस्ट नॉरफॉक सीट से चुनाव लड़ा। 2012 में शिक्षा मंत्री बनाया गया, 2014 में पर्यावरण मंत्री। शो तो दुनिया की बात है, लेकिन टॉपिक में भारत जुड़ाव निकल आए तो और बेहतर। ब्रिटेन के भारत से संबंधों और भारत के बारे में लिज ट्रस की राय के बारे में भी जान लेते हैं। लिज ट्रस को भारत और ब्रिटेन के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का सपोर्टर समझाता है। जैसा हमने आपको बताया था, बोरिस जॉनसन कैबिनेट में लिज ट्रस विदेश मंत्री थी और इस दौरान भारत ब्रिटेन के बीच संबंधों में मजबूती देखने को मिली। ट्रस इस साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आई थी, तब उन्होंने भारत को बड़े अवसरों का देश बताया था। पिछले साल ट्रस ने बोरिस जॉनसन की अगुवाई वाली सरकार में इंडिया यूके एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप यानी ईटीपी पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता खुला। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस भारत और ब्रिटेन के रिलेशनशिप में और ज्यादा मजबूती दिखाएंगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। दुनिया की बात में अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। दुनिया की बात में वो कौन सी खबर है जो आप जानना चाहते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।